नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम आए हुए मधेपुरा में। मधेपुरा के वर्तमान एमएलए चंद्रशेखर जी हमारे साथ है, तो चलिए हम मधेपुरा के विकास पे और अन्य मुद्दों पे इनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। सभी को धन्यवाद सर। अभी मधेपुरा में जो है बाढ़ और कोरोना लेके मधेपुरा की हालत बहुत खराब है, तो ऐसे में आप लोगों का किस तरह से मदद कर रहे हैं? ये बाढ़ और कोरोना सिर्फ मधेपुरा का इशू नहीं, संपूर्ण 90% उत्तर भारत में बाढ़ का असर है और कोरोना तो देश और दुनिया का की समस्या है। हमें आश्चर्य होता है, मैं विस्मित होता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ ये सोचकर कि इतना विलंब से देश में कोरोना आया, लेकिन हमारे जो देश के चौकीदार हैं वह होशियार नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए। राहुल गांधी जी के 12 फरवरी को ही चेता देने के बाद भी सतर्क नहीं हुए और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के चलते 1.5 महीने तक और नमस्ते ट्रंप में मकबूल होकर के इस देशवासी पर कोरोना थोपे हैं। ताइवान से सबक लेनी चाहिए, एक छोटा सा राज है 5 करोड़ की आबादी का, तो ये दूरदर्शी राजा कहाँ कहाँ क्या क्या विषाद बिछा रहे हैं, ये तानाशाही थोपने का बड़ा अच्छा माहौल बना रहे हैं। देश के आवाम के हाथ में जब कटोरा चला जाएगा, देश के लोगों की कमर टूट जाएगी तो तानाशाही थोपी जाएगी और लोग बर्दाश्त करेंगे, इसलिए कि देश यह जो हमारा देश है, जातियों में बटा हुआ देश, आपस में मिलने वाला नहीं है और इन लोगों के कारगुजारी को मनवादी संघी जो साजिश है इसके पर्दाफाश करने में लोग सक्षम अभी नहीं है। तानाशाही एक रास्ता पर लोग चल रहे हैं, धर्म के नाम पर और जाति में विभाजन के नाम पर ये लोग उग्र हिंदुवाद के नाम पर तानाशाह को थोपने वाले हैं और कोरोना इसके लिए अभ्यारण्य बन रहा है इन लोगों के लिए। अब ये बाढ़ की स्थिति है, आपके मधेपुरा जिला के जो पूर्वी इलाका है, कोसी तटबंध का जो पश्चिमी इलाका है, कोसी क्षेत्र और सुपौल का जो इलाका है, आपको आश्चर्य होगा कि मैं विगत 2 दिन में बाढ़ पीड़ित इलाकों के दर्जनों गांव गया, हजारों लोगों से मिला। 15 दिन 20 दिन से 25 दिन से बाढ़ का कहर इस इलाके में। जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के योद्धा के रहनुमाई में, नीतीश जी के ही मुख्यमंत्री काल में 2 साल पहले मैं मंत्री इस विभाग का था, तो एक हफ्ता के अंदर दर्जनों कम्युनिटी किचन, सामुदायिक भोजनालय सिर्फ आलमनगर और चौसा प्रखंड में चल रहा था। अभी एक सामुदायिक किचन नहीं चल रहा है, एक छटाक सूखा राशन का वितरण नहीं हुआ है। तो कोरोना थोपने वाली ये संवेदन सुन सरकार, जब महागठबंधन के नेता, संवेदनशील नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के रहनुमाई में चल रही थी, तो यही सरकार थी, इसी के हम मंत्री थे, तो उस इलाके में दर्जनों सामुदायिक भोजनालय चल रहा था, अभी भी कैबिनेट मंत्री है। क्या सिर्फ सरकार बदल जाने से ये डबल इंजन की सरकार आ गई, पैसा का फ्लू बिहार में होने लगा और हमारे बाढ़ पीड़ित किसान सारे मर रहे हैं? आपको पता है मकई का फसल औने पौने कौड़ी के भाव भी लोग नहीं ले रहा है, धान का फसल बाढ़ के इलाके में तो 100% खत्म हो गया। आवाम मधेपुरा प्रखंड जहाँ बाढ़ का असर नहीं है, लेकिन खेत में 75% 80% धान में का फसल नहीं हो रहा है, चौपट हो गया है। तो जो किसान के हाथ में कटोरी देगा, कोरोना परोस करके कटोरी दे रहा है, इसी स्थिति में हम लोग जागरूकता में लगे हुए हैं। जहाँ तक संभव होता है लोगों को जागरूक करके सदन से सड़क तक हंगामा खड़ा करेंगे और ये जुल्मी सरकार को बेनकाब कर। आप अपने मधेपुरा के जनता को बाढ़ और कोरोना से बचाव हेतु कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि सरकार के भरोसे कुछ मत करो यार, सरकार कहीं नहीं है, सरकार पंगु हो चुकी है, सरकार के भरोसे मौत के सिवा कुछ मिलने वाली नहीं है। इसलिए मास्क का प्रयोग करिए, शारीरिक दूरी बना के रहिए, जिसको आप सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं वो शारीरिक दूरी बना के रहिए। निश्चित तौर पर हमारे पुरखों ने जो कहा है कि 2 टाइम काढ़ा पीजिए, हर टाइम में सुसुम पानी पीजिए, 2 टाइम गर्म पानी फूंक के पीजिए, जैसे चाय पीते हैं, 4-5 बार जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो बिना चीनी का चाय पीजिए, फिर नींबू का प्रयोग जैसे आपको विटामिन सी मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, दूध हल्दी का प्रयोग कम से कम सोते समय करिए, वो हल्दी
और सेंधा नमक को गर्म करके गलाला करिए। सर्दी हो जाए तो जरूर से भाप लीजिए 3-4 बार, नहीं तो सरकार के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार मौत परोस रही है, सरकार चुनाव की चिंता में लगी हुई है, आवाम के जीवन की चिंता नहीं है। तो अभी हमने बात किया मधेपुरा के विधायक चंद्रशेखर जी से, और इनका कहना है कि बिहार सरकार जो है वो ना ही तो कोरोना को सीरियस ले रहे और ना ही बाढ़ को, कोई ध्यान नहीं है जनता की तरफ। तो कैमरा पर्सन विशाल कुमार के साथ मैं हूँ अंकुश कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24।